नमस्कार दोस्तों, एक्यूप्रेशर की ऑनलाइन ट्रेनिंग में आज फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बार बार सबसे पहले उस सिमिलैरिटी प्रिंसिपल को समझते हैं, याद करते हैं, जैसे हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो हमारे हाथ को रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों, हम पहले की वीडियोस में, वीडियो नंबर 2, 3, 4 में सीख चुके हैं कि अगर हम हाथ को इस तरह देखते हैं तो हमारी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर हमारी लेग को रिप्रेजेंट करती है और इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर हमारे हाथों को रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों, इसी के अंदर हमने सीखा था कि राइट हैंड में इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर राइट साइड के हाथ और पैर को रिप्रेजेंट करती है और लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड की आर्म और लेग को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद हमने ये भी जाना था दोस्तों ज्वाइंट्स के बारे में कि यह आपका शोल्डर ज्वाइंट है, यह एल्बो ज्वाइंट है और यह रिस्ट ज्वाइंट है और ये वाला हिप ज्वाइंट, ये वाला नी ज्वाइंट और ये वाला एंकल ज्वाइंट। आज की जो ये वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है जिसे हम कहते हैं टेनिस एल्बो। दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनकी कोहनी में दर्द होता है और जरा सा भी वेट उठाने पर, जरा सा मूवमेंट करने पर, हल्का सा यहां पे कुछ टच कर जाए तो ऐसे उन्हें लगता है जैसे जान ही निकल गई हो। तो दोस्तों, एक्यूप्रेशर के अंदर ऐसा क्या ट्रीटमेंट किया जाए जिससे उस टेनिस एल्बो के पेन में, एल्बो के पेन में, एल्बो की स्टिफनेस में, एल्बो की जकड़न में आराम आ जाए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले यह देखना होता है कि जो आपका पेशेंट है उसको पेन कहां है, लेफ्ट साइड की राइट साइड। मान लीजिए किसी को लेफ्ट साइड की टेनिस एल्बो है तो अगर आप उसके लेफ्ट हैंड को चेक करेंगे तो उसकी इंडेक्स फिंगर का जो मिडिल ज्वाइंट है, देखिए मैं पास से भी आपको बता देता हूं ताकि दिक्कत ना आए, जो ये लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है इसका जो मिडिल ज्वाइंट है, ये वाला पूरा का पूरा ज्वाइंट फ्रंट एंड बैक, यह रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट एल्बो को। और राइट एल्बो में अगर किसी को प्रॉब्लम है, पेन है, स्टिफनेस है, टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम है तो उनको राइट इंडेक्स फिंगर के मिडिल ज्वाइंट को लेना है ट्रीटमेंट के लिए। दोस्तों, इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाना हो तो जब हम राइट हैंड को ले रहे हैं, मींस राइट हैंड की टेनिस एल्बो को ट्रीट कर रहे हैं, तो हम राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर के मिडिल ज्वाइंट को भी ले लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर आपकी राइट आर्म को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह अगर हम लेफ्ट हैंड की टेनिस एल्बो को ट्रीट करने वाले हैं तो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर का मिडिल ज्वाइंट लेंगे और राइट हैंड की स्मॉल फिंगर का भी मिडिल ज्वाइंट ले लेंगे तो इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, वहां पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो मसल में आ सकती है, टेंडन्स में आ सकती है या बोन लेवल पर आ सकती है। तीन लेवल पर यह समस्या हो सकती है। मसल और टेंडन्स में प्रॉब्लम हो तो आपको लिवर का ट्रीटमेंट करना है और अगर यह प्रॉब्लम पहुंच चुकी है बोन तक तो आपको किडनी को साथ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इनके बिंदु एग्जैक्टली कहां आते हैं, कैसे इन पे ट्रीटमेंट देना है, कैसे एक्यूप्रेशर के इन बिंदुओं को स्टिमुलेट करना है, कहां पर लगेगी मेथी, कहां पर लगेंगे मैग्नेट, आइए दोस्तों उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको बता चुके हैं ये जो रिंग है, ये सुजोक रिंग कोई कहता है, कोई एक्यूप्रेशर की रिंग कहता है। दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि एक बहुत ही अच्छी खोज हुई है एक्यूप्रेशर के सिस्टम में जिससे आपको पॉइंट को स्टिमुलेट करना बहुत आसान हो गया। देखिए, जैसे मान लीजिए लेफ्ट हाथ की एल्बो में पेन है तो ये लेफ्ट इंडेक्स फिंगर लेंगे और इसमें देखिए इस तरह से इसको स्टिमुलेट करना है, ये जो ज्वाइंट है मिडिल ज्वाइंट इसको स्टिमुलेट करना है रिंग से, 1 से 3 मिनट तक आप इसको स्टिमुलेट करेंगे। आप देखेंगे कि जैसे ये स्टिमुलेशन किया जाता है यहां पे हल्का बन आ जाता है, स्टिफनेस कम हो जाती है, पेन कम हो जाती है, इसका मूवमेंट बेटर हो जाता है। लेफ्ट हाथ की एल्बो के ट्रीटमेंट में आप राइट स्मॉल फिंगर के मिडिल ज्वाइंट को भी स्टिमुलेट करेंगे रिंग से 1 से 3 मिनट, सेम उसी तरह से जैसे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर को किया था। अगर यह समस्या आपकी राइट एल्बो में है तो आपको राइट इंडेक्स फिंगर में यह स्टिमुलेशन देना है मिडिल ज्वाइंट में 1 से 3 मिनट और साथ ही साथ में यह स्टिमुलेशन देना है आपको
लेफ्ट हाथ की स्मॉल फिंगर के मिडिल ज्वाइंट में। 1 से 3 मिनट यह स्टिमुलेशन दीजिएगा दोस्तों, 1 से 3 मिनट तक यह स्टिमुलेशन देना है दोस्तों। इसके बाद देखिए, मैं दोबारा इन पॉइंट्स को पेन से भी मार्क करके दिखा देता हूं ताकि आपको पता रहे कि एग्जैक्टली मैं किस एरिया की बात कर रहा हूं। देखिए, लेफ्ट हाथ का जो इंडेक्स फिंगर का मिडिल ज्वाइंट है, मैं इसको मार्क करके दिखा रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे और आप बहुत ही अच्छा और सटीक उपचार अपने पेशेंट को दे सकें, अपने आप को दे सकें। ये देखिए दोस्तों, बहुत आसान है ये। अगर आप राइट हाथ की इंडेक्स फिंगर ले रहे हैं राइट एल्बो पेन को ट्रीट करने के लिए, तो आपको राइट इंडेक्स फिंगर के मिडिल ज्वाइंट पर ट्रीटमेंट देना है। अब देखिए आप इसको, तो ये मैंने पूरे के पूरे जोड़ को मार्क कर दिया है। सेम यही एरिया स्मॉल फिंगर का भी लिया जाएगा। अब दोस्तों, किस तरह से मेथी रिंग लगाई जाती है, कैसे मेथी रिंग बनाई जाती है, उसको भी समझते हैं। तो मेथी के दाने लिए जाते हैं इस तरह से और इसको इस तरह टेबल पर बिछा लिया जाता है। मेथी के दाने जो बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, आमतौर पर सभी हिंदुस्तानी रसोइयों में पाए जाते हैं, और आपको ये डॉक्टर टेप जो केमिस्ट से आसानी से मिल जाती है, इसे लेंगे, इस तरह से लगाएंगे। और देखिए, जिस भी जोड़ पर बांधना है, जैसे मैं राइट एल्बो का ट्रीटमेंट बता रहा हूं आपको, तो आपको राइट हाथ की इंडेक्स फिंगर पर इस तरह से मेथी को बांध देना है, जो चारों तरफ से इसको कवर कर ले अच्छी तरह। और एक और मेथी रिंग बनाएंगे राइट एल्बो पेन के लिए ही, और इसमें दोबारा मेथी के दानों को टेबल पर बिछाएंगे, डॉक्टर टेप लेंगे, इस तरह से, और इसको इस तरह से जो मिडिल ज्वाइंट है, जो आपका मिडिल ज्वाइंट है, ये इस तरह से कवर कर लेंगे। देखिए, राइट एल्बो के लिए मैंने राइट इंडेक्स फिंगर ली और स्मॉल फिंगर लेफ्ट हैंड की ली। और अगर आप लेफ्ट एल्बो का ट्रीटमेंट करेंगे तो इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड की लेंगे और स्मॉल फिंगर राइट हैंड की लेंगे। ये तो हो गया एल्बो का ट्रीटमेंट। अब हमें क्या करना है, उस एल्बो की मसल को, टेंडन्स को, बोन्स को स्ट्रेंथन करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको क्या करना है, राइट हैंड में ये एरिया लिवर का है, इस एरिया को स्टिमुलेट करना है इस जिम्मी से 1 से 3 मिनट। ये जिम्मी का जो ये उभरा हुआ हिस्सा होता है, यह इस तरह की स्टिमुलेशन में बहुत मदद करता है। 1 से 3 मिनट लिवर के एरिया को स्टिमुलेट करेंगे। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जब वाइब आदि खाना खाते हैं, गैस, एसिडिटी जिससे हो जाती है, तो उनकी एल्बो का पेन या जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। तो इसलिए लिवर का ट्रीटमेंट, किसी भी तरह के ज्वाइंट में प्रॉब्लम आ रही हो, मसल में प्रॉब्लम आ रही हो, तो जरूर करना चाहिए। इसी के साथ में दोनों किडनियां, देखिए ये आप बैक साइड लेंगे तो एक किडनी इस साइड आती है, एक किडनी इस साइड, तो इसको भी आप इस तरह जिम्मी से स्टिमुलेट करेंगे 1 से 3 मिनट। इन बिंदुओं को अभी मैं मार्कर से मार्क करके भी दिखा दूंगा कि मैं किन बिंदुओं को स्टिमुलेट कर रहा हूं, हाथ के किस एरिए पर आपने यह प्रेशर देना है। अब देखिए सर, मैं सबसे पहले किडनी का आपको ये मार्क करके दिखा रहा हूं। यह जो एरिया है, यह किडनी के एरिए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और राइट हैंड में मैं लिवर के एरिए को भी यहां मार्क करके दिखा देता हूं। ये लिवर का एरिया हो गया जिसको मैंने स्टिमुलेट किया। जो किडनी का एरिया है, आपको एक इंडेक्स फिंगर की सीध पे लेना है और एक स्मॉल फिंगर की सीध पर लेना है। अब इसमें क्या करना है, जो आपको पहले भी मैं दिखा चुका हूं, क्लस्टर मैग्नेट। तो 3 टेप काटेंगे इस तरह से, और इन पे एक एक क्लस्टर मैग्नेट लगा देंगे। ये देखिए, एक क्लस्टर मैग्नेट, दूसरा क्लस्टर मैग्नेट, तीसरा क्लस्टर मैग्नेट। तो एक क्लस्टर मैग्नेट आ गया एक किडनी के पॉइंट पर,
दूसरा क्लस्टर मैग्नेट दूसरे किडनी के पॉइंट पर, और तीसरा क्लस्टर मैग्नेट लिवर के पॉइंट पर। ये देखिए, लिवर के पॉइंट पर एक क्लस्टर हो गया, इंडेक्स फिंगर की सीध पर एक क्लस्टर हो गया, और ये स्मॉल फिंगर की सीध पर एक क्लस्टर मैग्नेट हो गया। इसमें देखिए, आप देख रहे होंगे कि एक पॉइंट हल्का सा ऊपर और एक पॉइंट हल्का सा नीचे दिख रहा है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इस नकल से जितनी ऊपर यह है, उतना ही इस नकल से यह पॉइंट ऊपर है। तो इस नकल से थोड़ी सी दूरी और इस नकल से उतनी ही दूरी लेनी होती है, तो ये किडनी के स्टिमुलेटिंग पॉइंट बन जाते हैं। आप देखेंगे इस तरह, तो आपकी इंडेक्स फिंगर से स्मॉल फिंगर छोटी होती है, तो इसलिए ये जब पॉइंट लगते हैं तो ये पॉइंट हल्का सा ऊपर दिखता है जो स्मॉल फिंगर की सीध में है, और जो इंडेक्स फिंगर की सीध में है स्लाइटली नीचे दिखता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ट्रीटमेंट करना है टेनिस एल्बो का, एल्बो पेन का, स्टिफनेस इन एल्बो का, उसमें मसल में प्रॉब्लम हो, टेंडन्स में हो या बोन में हो, आपको एक्यूप्रेशर के हिसाब से इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर, अगर राइट साइड में है तो राइट इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट स्मॉल फिंगर, और अगर लेफ्ट एल्बो में है तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर और राइट स्मॉल फिंगर के मिडिल ज्वाइंट पर मेथी बांधनी है। किडनी के पॉइंट पर क्लस्टर मैग्नेट और लिवर के पॉइंट पर क्लस्टर मैग्नेट। ध्यान रखिएगा, लिवर और किडनी के पॉइंट को जिम्मी से स्टिमुलेट किया जाता है, और जो ये ज्वाइंट है एल्बो का, इसको एक्यूप्रेशर रिंग के माध्यम से स्टिमुलेट किया जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं यह जो जानकारी है ये आपके काफी काम आएगी। दोस्तों एक और मेरी रिक्वेस्ट है, सजेशन है, कि आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है लाइफ पॉजिटिव टीवी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी बेल को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि कई लोगों ने कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में उनको कोई वीडियो का लिंक नहीं मिला। दोस्तों साथ ही साथ में इस ट्रेनिंग के एंड में सभी लोगों को ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा, तो जिन लोगों ने अपने नाम और अपने शहर के नाम हमें नहीं भेजे हैं, तो वो अपना नाम, अपने शहर का नाम हमें भेज देंगे, ताकि जब इनके ई सर्टिफिकेट इशू करने का समय आए तो आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है कि 1.25 लाख लोगों को इस एक साल के अंदर हमने इस फ्री एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग को पहुंचाना है। 11,400 लोग हमारे आज तक रजिस्टर हो चुके हैं। ये जो वीडियो है, अगर आपको लगता है ये यूजफुल है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एक्यूप्रेशर के दिव्य ज्ञान का लाभ ले सके। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं, आप यूट्यूब में भी देखते होंगे, वीडियो देखकर कोई अपनी मदर का ट्रीटमेंट कर रहा है, कोई अपने आप का कर रहा है, कोई फादर का कर रहा है, कोई अपने बच्चों का कर रहा है, और उनके क्या रिजल्ट आ रहे हैं वो भी वह उस कमेंट बॉक्स में नीचे शेयर कर रहे हैं। तो एक सजेशन, एक रिक्वेस्ट आपसे, एक दरख्वास्त ये भी है कि जो भी ट्रीटमेंट की वीडियो आप देखते हैं, सुनते हैं, उसको जब अप्लाई करते हैं तो उसका फीडबैक हमें जरूर शेयर करिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी के साथ मैं जगमोहन सचदेवा आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।